नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्थिति फिलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बनती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाती हुई नजर आई और ऐसे में मनीष सिसोदिया के जमानत पे बाहर आने से पहले और अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने के दौरान कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर दोनों की यहाँ पर रिहाई नहीं होती है, जमानत नहीं मिलती है, तो आम आदमी पार्टी का सियासी वर्चस्व दिल्ली की राजनीति में से खत्म होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है यहाँ पर सरकार पलटती हुई भी नजर आए, क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं सियासी हमले करते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखा गया यहाँ पर जिस तरह से राजेंद्र नगर में राव आईआईटी के अंदर पानी भर जाता है, उसके बाद यहाँ पर छात्रों की मौत का मामला सामने आता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा राजनीति गरमाती हुई नजर आई और ऐसे में देखा गया वीरेंद्र सचदेवा और यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर तमाम लालछन लगाते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा गया कि जिस तरह से दिल्ली में जल संकट को लेकर भी कवायद शुरू हुई और यहाँ पर आतिशी मरलिना को यहाँ पर धरना देना पड़ा और धरने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल गरमाता नजर आया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया की वापसी के बाद क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एक बार फिर से स्थापित करती हुई नजर आएगी, क्या दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी दोबारा अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होगी और दोबारा सरकार बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे और वादे करती हुई नजर आ रही है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार बदल जाए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आए, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने से ये भी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम पद का दावेदार आम आदमी पार्टी उन्हें बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी क्या वाकई उस हिसाब से मजबूत हो पाएगी जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनावों में रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा खामियाजा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।